राजस्थान में चल रहे सियासी संग्राम के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायकों के नाम एक खुला पत्र लिखा है। पत्र में सीएम गहलोत ने विधायकों से भावुक अपील की है। सीएम गहलोत ने अपने पत्र में विधायकों से कहा है कि वो जनता की आवाज सुने और लोकतंत्र को बचाने के लिए निर्णय लेने का काम करें। आप जनता के भरोसे पर चुनकर आए हैं और सभी को उनके विश्वास को बनाए रखना है। प्रदेश में चल रहे सियासी संग्राम के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान के सभी 200 विधायकों को एक भावुक पत्र लिखा। सीएम गहलोत ने वर्तमान में उत्पन्न सियासी घटनाक्रम को लेकर विधायकों से अपील की। गहलोत ने अपने पत्र में विधायकों से कहा है कि वो जनता की आवाज सुने। उन्होंने विधायकों से लोकतंत्र को बचाने के लिए निर्णय लेने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि जन भावनाओं को पूरा करने में लोकतंत्र का साथ है। सीएम गहलोत ने 3 पन्नों का खुला खत लिखकर राज्य के विधायकों से राजस्थान की जनता की आवाज सुनने को कहा, साथ ही विधायकों से लोकतंत्र को बचाने की अपील की। पत्र में गहलोत ने राजस्थान में चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया। गहलोत ने लिखा है कि सरकार को अस्थिर करने वाला षड्यंत्र असफल होगा और लोकतंत्र की जीत होगी, सत्य की जीत होगी, लोकतंत्र विजय होगा। मैंने कहा है विधायकों को, तमाम विधायकों को मैंने पत्र लिखा है, आपका परिवार क्या कहता है, आपकी खुद की आत्मा क्या कहती है, आपके क्षेत्रवासी जो आपके मतदाता है वो क्या कहते हैं, उनकी आवाज सुनो फिर फैसला करो। सीएम गहलोत ने अपने पत्र में कोरोना का भी जिक्र करते हुए लिखा कि कोरोना के कारण जो हालात बने हैं वह सबकी चिंता का विषय होने चाहिए। सरकार लोगों का जीवन कैसे बचाए और बेरोजगार लोगों को रोजगार मिले, इस दिशा में काम कर रही है। सरकार पहले से सतर्क रही है, तभी राजस्थान में रिकवरी रेट नियंत्रण में और बेहतर है। बता दें कि राजस्थान में कांग्रेस की बाड़ेबंदी करीब 1 माह से जारी है। पहले जयपुर और अब जैसलमेर में कैंप लगा है। मकसद है चुनी हुई सरकार को हॉर्स ट्रेडिंग से बचाना। दूसरी ओर बीजेपी ने भी 14 अगस्त के विधानसभा सत्र से पहले अपने विधायकों की गुजरात में बाड़ेबंदी की। राज्य के दोनों दलों को एक दूसरे से हॉर्स ट्रेडिंग का डर सता रहा है। इस बीच सीएम गहलोत के लिखे भावुक पत्र का असर कितना होगा ये तो सदन शुरू होने पर पता लगेगा, लेकिन सच तो यह है कि सीएम गहलोत सरकार बचाने के लिए सतर्क और जागरूक भी दिख रहे हैं। A1 TV के लिए जयपुर से दिनेश सविता के लिए।